भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा रविवार को ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 13 जिलों से आए 2,277 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 2,488 परीक्षार्थियों को जारी हुए थे, लेकिन इसमें शामिल होने 2,277 परीक्षार्थी पहुंचे। कुछ परीक्षार्थियों ने अपना आधार कार्ड प्रवेश पत्र ही लेकर नहीं पहुंचे थे, इसके चलते यहां परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। देश सेवा का गजब का जज्बा ग्वालियर में आयोजित भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों में देखने को मिला। सुबह 4 बजे भी कड़कड़ाती ठंड में भी अभ्यर्थियों का उत्साह कम नहीं हुआ। परीक्षा केंद्र के अंदर सुबह 4 बजे से स्क्रीनिंग के बाद इनका प्रवेश शुरू हुआ। परीक्षा संपन्न होने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर निकले। अक्टूबर में ग्वालियर और चंबल अंचल के 8 जिलों सहित छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी और दमोह जिलों के करीब 52,000 अभ्यर्थी सागर में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल हुए थे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और मेडिकल परीक्षण के बाद 2,488 परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हुए। दूसरे जिलों में परीक्षार्थी शनिवार शाम से ही ग्वालियर आना शुरू हो गए थे। इनके ठहरने के लिए प्रशासन द्वारा आसपास के सरकारी स्कूलों में इंतजाम किए गए थे। रजाई, गद्दे और अलाव की व्यवस्था भी की गई थी। सुबह 4 बजे से बायोमेट्रिक परीक्षा के बाद इन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। आर्मी पब्लिक स्कूल रात से ही कड़ी सुरक्षा के घेरे में था। सुबह 4 बजे से प्रवेश थे, इसके चलते पहले ही परीक्षार्थी यहां पहुंच गए। जिला पुलिस बल और सेना पुलिस ने इनकी लाइन लगवाई। 10-10 परीक्षार्थियों को एक बार में प्रवेश दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल के मैदान पर कुर्सियां रखवाई गई थी, जो 6-6 फीट की दूरी पर थी। एक ही मैदान में एक साथ सभी परीक्षार्थियों को बैठाया गया। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और OMR शीट दी गई और उसके साथ ही गणित के सवाल हल करने के लिए रफ कागज भी दिया गया। ठीक सुबह 11:30 बजे परीक्षा प्रारंभ हुई और 1 घंटे बाद दोपहर 12:30 बजे संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए थे और गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग भी थी। दोपहर 12:30 बजे परीक्षा संपन्न हो गई। इसके बाद सभी परीक्षार्थियों से OMR शीट ले ली गई। इसका मिलान होने में 1 घंटा लगा। दोपहर 1:30 बजे अभ्यर्थियों को छोड़ा गया। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने इन्हें एक साथ छोड़ने की जगह अलग अलग लाइन को अलग अलग बाहर भेजा, जिससे बाहर एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो। यही वजह है कि सड़कों पर पिछली बार की तरह इस बार हंगामा नहीं हो सका। तुम तो कुछ पहनी नहीं यार, टोपाओं पर ठंड नहीं लग रही? तुम नहीं लग रही सर? क्यों सर? ठंड तो सर उन्हें लगती है जो लड़कियों के दीवाने होते हैं। हम तो आर्मी के दीवाने हैं, जो अग्निवीर वाले दीवाने हैं, जो ठंड को भी गर्मी को मात दे दे सर। अरे वाह, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अगर मान लो आप लोग जैसे अभी रात में घूम रहे हो, परीक्षा देने आए हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्या करोगे जाके सर? क्यों? किसानी करूंगा। किसानी करोगे? और क्या करोगे भाई? नहीं सर, मेहनत करके आए हैं सर। सिलेक्शन तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे, और ऐसी ठंड में आए हैं तो, और इतनी मेहनत की है तो सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। मेरी शुभकामना। देखो, ये होता है कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो जरूर सिलेक्ट होगे। थैंक यू सर। अच्छा, और कौन बताएगा कि मैं सिलेक्ट होकर जाऊंगा? मैं कैसे, किस तैयारी के साथ आया हूँ? पापा के सपने और कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ कि पापा के सपने और कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ, यहाँ से फौजी बनकर जाऊंगा, माँ का प्यार लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया।